आजकल बड़ा ज़्यादा जूम है कि लेज़र्स से अपने बाल नहीं आते हैं, बिल्कुल स्किन स्मूथ हो जाती है। एंड बहुत सारे मिथ भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं कि लेज़र करा लेंगे तो हमारे को जल जाएगा, बार बार कराना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो आज इन्हीं सारे मिथ्स को हम लोग डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एग्जैक्टली द लेज़र हेयर रिडक्शन। एज अ नेम सजेस्ट लेज़र, इसमें हम लोग लेज़र्स लाइट यूज़ करते हैं। हेयर्स इसमें आपकी जो हेयर साइकिल होती है वो रिड्यूस डाउन होती है, इट्स नॉट रिमूवल। जो एक बहुत बड़ा मिथ है सब में कि अगर हम एक बार लेज़र करा लेंगे तो बिल्कुल चिकना हो जाएगा एंड कोई बाल नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ रिडक्शन, आपके जो एक्चुअल हेयर ग्रोथ है उसका साइज़ बहुत ही रिड्यूस डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेज़र से हम लोग क्या करते हैं, आपका जो हेयर फॉलिकल का साइज़ होता है उसको श्रिंक डाउन करते हैं, उसको पतला करते हैं। तो जैसे ही वो श्रिंक हो जाता है, कंसाइज कर जाता है, तो उसमें से जो हेयर ग्रोथ निकलती है वो भी बहुत छोटी पतली या फाइन हेयर्स निकलते हैं। मोरओवर जितना आपका हेयर फॉलिकल का साइज़ कम हो जाएगा तो उसको ग्रो करने में ही उतना ही लंबा टाइम लगेगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। जब भी हम लोग वर्क करें कोई भी अनवांटेड हेयर्स को ख़त्म करने के लिए, अनवांटेड हेयर्स में जैसे मैं बोलूँ, जैसे फीमेल्स होती हैं जिनको PCODs या हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से चिन एरियाज में बाल आ जाते हैं या साइड लॉक्स में बाल आ जाते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट हम ऐसी अनवांटेड हेयर ग्रोथ को श्रिंक डाउन करें या कम करें। इसके अलावा मेल्स बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं अपनी बियर्ड शेपिंग के लिए, जो मेल्स के अक्सर यहाँ पे इस एरिया तक बाल आ जाते हैं या फिर मिड ब्रोज के अंदर बाल आते हैं या फिर हेयर लाइन काफ़ी अनइवन सी है, तो उसको हम लोग इजीली शेप अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेज़र्स। लेज़र्स हम लोग कितना फ्रीक्वेंटली करा सकते हैं, नॉर्मली मैं अपने क्लिनिक में जब भी प्लान करती हूँ लेज़र्स तो हमेशा फुल हेयर ग्रोथ पे करती हूँ। एंड दिस इज़ अ ट्रीटमेंट जो कि सिंगल सेटिंग्स में नहीं होता है, इसमें हमें मल्टीपल सेशंस प्लान करने पड़ते हैं। मल्टीपल सेशंस कितने करने पड़ेंगे, हम कितना पैकेज लें, हम लोग कैसे प्लान करें, हम ऐसा कुछ भी अभी गाइड नहीं कर सकते जब तक हम लोग आपकी ग्रोथ को एनालाइज नहीं कर लेते, आपके एक्चुअल ग्रोथ क्या है, किस तरीके की है एंड हमें उसमें कितने सेशंस प्लान करने पड़ेंगे, जब तक हम आपकी ग्रोथ को सही से चेकआउट नहीं कर सकते। या फिर हम चेकआउट नहीं करते कि आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं या नहीं है या कोई ऐसी अंडरलाइंग आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, तभी हम लोग गाइड करेंगे कि आपको ये चीज़ करानी भी चाहिए नहीं करानी चाहिए, आपको कराओगे तो आपको कितना इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे।